मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट अ डे. व्हिच डे? एनीवन नोस? ओके, फर्स्टली टेल मी, ऑन व्हिच प्लैनेट डू वी लिव? एनीबॉडी? यू नो वेरी वेल, यस, वी लिव ऑन अर्थ. लुक हियर स्टूडेंट, दिस इज आवर ब्यूटीफुल होम, आवर अर्थ. टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट अर्थ डे. वी सेलिब्रेट अर्थ डे ऑन 22nd अप्रैल एवरी ईयर. But why do we celebrate Earth Day? Anybody knows? No? Okay, Jaspreet ma'am will tell you about this. Beta, April 22 is celebrated as Earth Day every year to highlight the importance of clean air, land and water and to create awareness amongst people to make our land beautiful and clean. जैसे हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, रोज उनकी क्लीननेस करते हैं, उसी तरह से हमें अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. इसको अवेयर करने के लिए हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं. चिल्ड्रन, ईच वन ऑफ अस शुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस कॉज. बट हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट? नाउ मैम विल टेल यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक आवर अर्थ वेरी ब्यूटिफुल. Students, now we shall tell you some steps that should be taken to save our earth. What are these steps? Number one is reduce using polythenes. Beta, जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो हमें इस टाइप के पॉलीथीन्स का यूज बहुत कम करना चाहिए. अब हम मार्केट जा रहे हैं, हमें सामान तो लाना ही है ना, तो हम किस में लाएंगे? Either we can use these type of jute bags. और वी कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ बैग्स. क्लियर बेटा? ये दोनों जो बैग्स हैं या पेपर बैग्स हैं, ये हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल नहीं है. सो वी शुड रिड्यूस यूजिंग पॉलीथिन्स. नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप वेस्टिंग वॉटर. स्टूडेंट्स, ऑलवेज चेक दैट नो टैप इज लेफ्ट अननेसेसरली रनिंग. कार वॉशिंग शुड बी डन वाइजली. बेटा, आपने हमेशा चेक करना है कि कोई भी टैप खुली ना रह जाए. जब भी आप ब्रश करते हो तो आपको टैप हमेशा के लिए खोलकर नहीं रखनी है. बेटा, जब भी हम घर में कार, बाइक या एक्टिवा वॉश करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने पाइप लिया, उसको टैप पे लगाया और उसको ओपन कर दिया, और कितना सारा वाटर हम वेस्ट कर देते हैं, है ना बेटा? ये देखो, जब घर में कभी पानी नहीं आता तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए. अब हमें बाइक भी वॉश करनी है, कार भी, तो हम कैसे करेंगे? हम एक बकेट लेंगे और उससे मग से हम धीरे धीरे वॉश कर लेंगे. हमें पाइप लगाकर वाटर वेस्ट नहीं करना है. क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप इज ग्रो मोर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स. वॉटर देम रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ देम. बेटा, हमें अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. वो पोल्यूशन को दूर करते हैं और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देते हैं. हमें नए नए प्लांट्स लगाने चाहिए और उनको वाटर देना चाहिए, उनका ध्यान भी रखना चाहिए ताकि वो बड़े होकर ट्री बन सके और हमारे लिए यूजफुल हो. नाउ बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स. जब भी आप कभी मार्केट जाते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स मार्केट से ना खरीदो. अगर आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, यू शुड टेक योर बॉटल्स फ्रॉम योर होम्स. आप अपनी बॉटल्स अपने घर से अपने साथ लेके जाओ, वहां से बॉटल्स मत खरीदो. द नेक्स्ट स्टेप इज गार्बेज इन डस्टबिन. बेटा, यू शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन. आपके पेंसिल शेवर्स है, कोई रैपर है, कुछ भी आप ईट करते हो तो आपको उसके रैपर्स को डस्टबिन में डालना है, ठीक है? इधर उधर नहीं फैलाना. इससे क्या होता है, होम डर्टी होगा, हमारी अर्थ डर्टी होती है. और अगर आप किसी और को भी देखते हो ऐसा करते तो आपको उन्हें रोकना है. नाउ बेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज सेव इलेक्ट्रिसिटी. वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम रूम में बैठे हैं, फैंस भी चल रहे हैं, लाइट्स भी चल रही हैं, अगर हम रूम से बाहर जाते हैं देन वी शुड स्विच ऑफ देम. हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए. एसीज है, कूलर्स है, बिना मतलब अगर हमें उनकी नीड नहीं है देन वी शुड स्विच ऑफ देम. क्योंकि एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, इनसे क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं. सो हम जितना कम हो सके उतना ही कम चीजों इन चीजों को कम यूज करें. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे स्टूडेंट, नंबर वन, रिड्यूस यूजिंग ऑफ पॉलीथीन्स. नेक्स्ट इज स्टॉप वेस्टिंग वॉटर, रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड ग्रो मोर प्लांट्स, गार्बेज इन डस्टबिन, एंड द लास्ट वन इज सेव इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर स्टूडेंट? नाउ प्रोमिस मी
that you all will follow these steps to keep our beautiful